अरे सुनिए, आप इस बार ये कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं हमें? अरे तू टेंशन मत ले बावली, ये असल में एक शॉर्टकट है। मैं यहाँ से लेके जाऊंगा तो हम लोग जल्दी घर पर पहुँच जाएंगे। अरे लेकिन हम लोग आज से पहले शॉर्टकट पे नहीं आए। तुम चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठे क्यों नहीं रहती? मेरा काम है गाड़ी चलाने का, मुझे सारे शॉर्टकट्स पता है। अरे देखो यार, कितना ज्यादा घना जंगल, कहाँ से तुम गाड़ी लेके जा रहे हो? मैंने एक बार बोला ना, जब हम लोग पहुँच जाएंगे आराम सब चुपचाप बैठे रहे, ज्यादा बोलेगी तो यही उतार दूंगी। पापा आप मम्मी की टांग क्यों खींचते हो? क्या करूँ, तेरी मम्मी पागल है ना, मम्मी के साथ ऐसा मत करा करो। मैं तो कह ही रही हूँ, बड़ी अजीब सी जगह, तुम नहीं पता कहाँ पर लेके आ गए। आज से पहले तुम लोग कभी भी यहाँ पर नहीं आए। अरे चल रहे ना हम लोग। अरे ये क्या, अरे भाई साहब क्या हो गया, आप रास्ता ब्लॉक करके क्यों खड़े? हट जाइए आगे से, मेरे को अपने गांव जाना है। अरे श्याणे, घना श्याणा हो रहा है के चुपचाप गाड़ी मत बाहर निकल ले। अरे सर क्या हो गया? अरे भागने की कोशिश मत कर रही है छोरे, मुंडी घुमा दूंगा। अरे सर सॉरी सर, अरे माफ करना सर, कुछ गलती कर दी क्या हमने? इधर आ इधर आ इधर आ लाल जमुरे। बताइए सर, क्या नाम है तेरा? अरे सर हमारा नाम पपलू है। अच्छा पपलू नाम है तुम्हारा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे सर मैं अपने गांव जा रहा था, छुट्टी पड़ गई है इसलिए मैं अपनी वाइफ और छोटे बच्चे को लेके जा रहा था। बेटे तू तो फंस गया, तेरे को ये नहीं पता ये इलाका उनके अंदर में आता है। अब चुपचाप जो भी तेरे पास है सब कुछ निकाल दे यहाँ पर जल्दी से। अरे सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज सर मुझे जाने दिए सर, मेरा छोटा बच्चा और मेरी वाइफ भी है। अरे शाणे ज्यादा होशियारी मत दिखा बो उसके आगे, अभी बता दूंगा मैं तेरे को। बस मैं कहता हूँ मैं इसकी टेंट खोल देता हूँ। अरे नहीं सर प्लीज सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज सर मेरे को जाने दीजिए सर यहाँ से। हो शाणे बोलता था तू बहुत है, मेरे को नहीं लगता तू इतना गरीब है जितना तू बोल रहा, गाड़ी तो तेरे पास घनी सोनी है। अरे सर मैं बता रहा हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर ये ऐसे नहीं देने वाला, मैं भी इसको बताता हूँ। ये ले चुपचाप, पता कहाँ है सब कुछ, वरना तो जज मार डालूंगा। बॉस देख रहे हो? ओ शाणे शाबाश, क्या मारा है तूने इसको? तुमने मेरे पति के साथ ये क्या किया? मैंने बोला था ना आप गलत रास्ते पे आ गए, खड़े होइए। आप सो क्यों रहे हैं? खड़े हो जाइए, ये लोगों से हमें बचाइए प्लीज, ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं प्लीज, हमारा एक छोटा बच्चा है। अरे वाह क्या लड़की है, काफी जवान लगती है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं भी तेरे साथ बैठ के तेरे पति को देखता हूँ, ये तो बसंती जा चुका है, मेरे साथ चल, इसके साथ अब कुछ भी नहीं है। तुम बेशरम, ये लो तुम्हारी ऐसी तैसी। तुम्हारी तो मार में भी मजा है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता होना चाहिए तुम किससे पंगा ले रही हो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे ऊपर हाथ उठा के, वरना मैं सोच रहा था तुम्हें अपने घर पर लेके जाता। तुम्हारे इस पति ने तो गड़बड़ करी और तुमने भी की है, तो तुझे भी जीने का हक नहीं है, चल मर जा। मजा आ गया, मर गई, वाओ कितनी खूबसूरत लग रही है मरी हुई। तुम लोगों ने मेरे मम्मी पापा को मार डाला, तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों को मैं मारूंगा बहुत ज्यादा। अरे एक सेकंड, ये कौन चुटकू बोल रहा है? अबे चुटकू तेरे को डायपर निकालना आता है क्या जो तू इतना बोल रहा है? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। देख रहा है, ओए देख रहा है के टकले, मेरे को धमकी दे रहा है छोटा सा बच्चा। इसको भी मार देते हैं वरना क्या पता ये जाके रोने लगेगा। तुम लोग बहुत बुरे, तुमने मेरे मम्मी पापा को मार डाला, मम्मी पापा तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने मेरे मम्मी पापा को मार डाला। मैं कहता हूँ बॉस इसको भी हम लोग मार डालते हैं। ये क्या है? ये कौन आ गया, ये क्या चीज है? मारो इसको, ओए बचाओ मेरे को, क्या कर रहा टकले, इधर आ। बॉस बचाओ, ये क्या चीज है बॉस? ये इसने तो हमें सबको ये क्या चीज है गाइस, ये क्या चीज है, इसने सबको मार डाला। अबे ये क्या चीज है, मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारना प्लीज, आप जो भी चीज हो मुझे मत मारना, मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इन गुंडों ने मेरे मम्मी पापा को मार डाला, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तू टेंशन मत ले बेटे। क्या आप हमारी तरह बोल सकती है? हाँ मैं तुम्हारी तरह बोल सकती हूँ। आप क्या चीज हो? मैं एक वेयरवुल्फ हूँ। शुक्रिया आपने मेरी जान बचा ली, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अरे मैं
ये सब कुछ देख रही थी। इन सारे गुंडों ने मिलकर तुम्हारे मम्मी पापा को मार डाला। ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। मैं इसी इलाके में रहती हूँ। आपका शुक्रिया वेयरवुल्फ जी, आपने मुझे बचा लिया, पर मेरे मम्मी पापा को इन्होंने मार डाला। मम्मी पापा, इन दोनों के अलावा मेरे जिंदगी में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। प्लीज आंटी जी, मेरी मदद कीजिए। बेचारा बच्चा, कितना ज्यादा बुरा हुआ इसके साथ। इसके मम्मी पापा को इन गुंडों ने मार डाला, गंदे गुंडे कहीं के। बच्चे अगर तू बुरा ना माने तो मेरे साथ चल सकते हैं। क्या, आपके साथ चल सकता हूँ? पर आप तो एक वेयरवुल्फ है ना। बच्चे मेरे को बहुत ज्यादा दया आ रही है तेरे पास, और मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। मुझे इंसानों से नफरत नहीं है, सिर्फ गंदे इंसानों से नफरत है। और तू तो एक छोटा सा बच्चा है, तू मेरे साथ चल सकता है। चलेगा मेरे घर? आंटी जी शुक्रिया आपका। आंटी चलिए। आंटी मत बोल, अगर तू मेरे को अपनी मम्मी समझ ले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। आंटी आपको अपनी मम्मी बोलूं? हाँ, मैं अब आज से हमेशा तू मेरे साथ ही रहेगा मेरे बेटे, तू टेंशन मत ले। ठीक है आंटी जी। आंटी नहीं, मम्मी बोल। ठीक है मम्मी, पर आपके घर वाले लड़ेंगे नहीं मैं आपके साथ जाऊंगा तो। तू टेंशन मत ले उस चीज की, वो मैं देख लूंगी सब कुछ। चल मैं तुझे अपने घर पर लेके चलती हूँ, मैं तुझे अपने पूरे परिवार से मिलाती हूँ। चल आज से तू भी मेरे परिवार का एक हिस्सा है। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं मम्मी। हाँ ठीक है मम्मी, चलिए मम्मी। हाँ चलो चलो। आंटी जी आप स्वयं अपने घर से कितनी ज्यादा दूर रहती हो। अरे मैंने बोला मुझे आंटी मत बोलो। हाँ मम्मी जी, मतलब आप अपने घर से कितनी ज्यादा दूर रहते हो, मतलब सुबह हो गया मैं घर पहुँचते। अरे मैं असल में शिकार के लिए निकलती हूँ ना रात को, इसलिए मेरे को देर हो जाती है। मम्मी कहीं आप मेरे को शिकार समझ के तो यहाँ पर नहीं लाई हो? अरे नहीं नहीं, तुम डरो मत मुझसे। हाँ पर जो तुम्हारे पापा होंगे ना। पापा मतलब? मतलब तुम्हारे मेरे पति देव, उनसे थोड़ा बच के रहना। मुझे खा तो नहीं जाएंगे वो? नहीं खाएंगे, मैं उनको मना कर दूंगी। मेरी एक छोटी बेटी भी है। क्या, आपकी एक छोटी बेटी भी है? हाँ तेरी छोटी बहन है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाती हूँ। मेरी फैमिली यहाँ पर एक छोटी सी गुफा के अंदर रहती है। गाइस यार मुझे डर लग रहा है सैमी, बहुत ज्यादा। डरो मत, लो मैं आ गई। शाबाश, तुम्हें ये इंसानी बच्चा कहाँ से मिला? अरे अरे ये क्या? अरे भूख नंगे, इतना भूखा मत मरो, चला भी नहीं जा रहा तुमसे। शाबाश, आज तो तुमने दावत लगा दी, इंसानी बच्चे को लेके आ गई। उतारो इसको, मैं खाऊंगा। अरे तू रहो मुझसे। क्या मतलब, तू अकेला खाना चाहते इस इंसानी बच्चे को? नहीं, ये हमारा फैमिली मेंबर है। मम्मी ये खा तो नहीं जाएंगे मेरे को? नहीं मैं हूँ ना, मैं इनकी बैंड बजा दूंगी। क्या बात कर रही हूँ, मतलब? मतलब ये बच्चा आज से हमारे साथ रहेगा। कुछ गुंडों ने मिलकर इसके मम्मी पापा को मार डाला, इसलिए बच्चा हमारे साथ रहेगा। क्या बात कर रही हूँ, इंसानों को हमारे साथ रखोगी तुम? छोटा सा बच्चा है, दया करो उसके ऊपर, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे इसे किसी हाल में भी खाना है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्लम चिल्ली मचा रखी है बहू? क्या हो गया मेरी बहू? देखिए पापा जी, इसको देखिए, इस भूख नंगे को कैसे इस बच्चे को खाना चाहता है। और बेटी इसमें क्या, वो खाने के लिए नहीं लाई क्या तू? नहीं, वो हमारे साथ रहेगा, इसलिए मैं इसे लेके आई हूँ। ओए होए, तू अब बच्चे को अपने साथ रखे, तेरी खुद की औलाद तो उसे पलने दे, या तू इंसानों की औलाद को पालेगी? पापा मैंने कह दिया तो एक बार कह दिया, ये मेरे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। वो बेटी ठीक तू जैसा कह रही है, वो सुन बेटे तू पागल मत बन, बहू के साथ रहना सीख ले, जो ये कह रही वो सुन ले, वरना बहुत पछताएगा। ठीक है बाबू जी, आप कह रहे हैं तो, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं खाता हूँ। क्या चल रहा है, मेरे को बताओ ना। मम्मी मम्मी, ये कौन है आपके कंधे के ऊपर? अरे बेटी ये तेरा भाई है। क्या मम्मी, मेरा छोटा भाई? नहीं ये तेरा बड़ा भाई है, ये तुझसे उम्र में बड़ा है। मम्मी मेरा छोटा भाई, ओ मेरा छोटा भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी है? मेरा नाम सुमित है। हेलो सुमित, मिलकर अच्छा लगा तुमसे। मुझे भी पिंकी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब ये क्या, हम अब इस इंसान के बच्चे का भी खाना लाना पड़ेगा। काम पर काम बढ़वा दिया, मैं जा रहा हूँ बच्चे के लिए खाना लेने के लिए, वरना भूखे मर जाएंगे हम लोग तो। तो गाइस यार, इस तरह एक वेयरवुल्फ, फीमेल वेयरवुल्फ ने बचाया था एक मासूम से छोटे बच्चे को, और गाइस यार वो छोटा सा बच्चा रहने लग गया अब वुल्फ की फैमिली के साथ। अब देखते हैं 20 साल बाद। ओ फाइनली मम्मी। मम्मी बच गया, चल जाता अभी। मम्मी आखिरकार देखो, मैंने इंसानों की तरह आग जलानी सीख ली। शाबाश मेरे बेटे, अब हमें ठंड नहीं लगेगी।
वो मेरे बेटे, वो बेटे कमाल कर दिया। अंकल जॉन देखिए मैंने आग जलानी सीख ली। अरे मैंने भी देखा तूने बहुत चमत्कार तरीके से आग जलाई। अरे अंकल बहुत इजी है, अगर एक बार आपको जलानी आ जाए तो इंसान हो तो ऐसे ही जला दे, पता नहीं उनके पास एक लाइटर जैसी चीज होती है वो तो बहुत इजीली जला देते हैं। मैं कहती हूँ बेटे अब तो बहुत बड़ा हो चुका है, अब तुझे इंसानों की बस्ती में भी जाना चाहिए। मम्मी अब मेरा मन नहीं करता इंसानों के बीच में रहने का, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शुरुआत से रह रहा हूँ ना इसलिए। नहीं बेटे तेरे लिए हम लोग कपड़े वपड़े नहीं ला पाते, पता है कितनी मुश्किल से चुराए थे तेरे लिए ये कपड़े जो तूने पहन रखे। अरे मम्मी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऐसे तो इंसानों के बीच में जा सकता हूँ, ऐसे मेरे को कोई मारेगा नहीं, पर मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। छुटकी कहाँ है, हैं छुटकी कहाँ है? पता नहीं कहाँ गई है। भैया भैया कहाँ पर हो भैया? आ रहा हूँ छुटकी। गाइस यार छुटकी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो यार छुटकी क्या कर रही है। भैया देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये क्या लिया है छुटकी? अरे पता नहीं तेरी छोटी बहन हमेशा छोटी रह गई, 20 साल बाद भी देख कितनी छोटी सी है। अरे दद्दू आप मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं? देखो बस इसकी आवाज बदल गई और कुछ नहीं बदला, बिल्कुल छोटी सी है, टेंगू सी, बिल्कुल छोटी सी। भैया देख लो ना दद्दू को। दद्दू को मार गोली। तू ये बता ये सब क्या लेके आई है मेरे लिए? भैया आप हमारे साथ रहते तो हो पर आप हमारी तरह बिल्कुल नहीं लगते। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ छुटकी, तुझे पता है। भैया पर मैं आपके लिए इतने सारे मार्क्स लेके आई हूँ, आप इनको पैर के देखिए, आप बिल्कुल फिर हमारी तरह लगोगे। भैया प्लीज पहनिए ना। अरे यार तू कैसी बात कर रही है छुटकी। अरे पैर लिया करते छोटी बहन इतना ही कर रही है तो पापा क्या बोलेंगे? अरे तेरे पापा को मैं देख लूंगा, तू पैर के देख। तो ठीक है यार आप लोग कह रहे हो तो चलो मैं पैर के देख लेता हूँ। ओके तो गाइस यार इसको पैर के देखते हैं क्या बनते हैं। ये ले छुटकी पैर लेता हूँ मैं। अरे छुटकी ये तूने कैसे कपड़े दे दिए मेरे को? गाइस यार जो छुटकी कपड़े लेके आई थी वो मैंने पैर लिए, और गाइस यार मैं देखो अब कितना कूल लग रहा हूँ। अरे अब तो बिल्कुल हमारी तरह लग रहा है, बिल्कुल वुल्फ, मेरा बेटा वुल्फ लग रहा है। भैया मैंने बोला था ना वो मेरा बेटा वुल्फ लग रहा है बिल्कुल। गाइस यार देखो हमने वुल्फ जैसे कपड़े पहन लिए, अब लग रहा हूँ यार मैं बिल्कुल अपने परिवार का फैमिली मेंबर। भैया मैंने बोला था ना। हाँ अब सही में मैं बिल्कुल अच्छा लग रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग मुझे भी तो बताओ, क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? पापा पापा आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, जब से तू आया है तेरी मम्मी ने तो मेरे को सीधा कर रखा है। मम्मी ने देखो यार पापा को सीधा कर दिया, पापा पहले कितने खतरनाक भेड़िए लगते थे यार, बिल्कुल खतरनाक वाले वेयरवुल्फ, अब देखिए पापा को बिल्कुल जेंटलमैन लगते हैं यार कपड़े वपड़े पहन के। हाँ हाँ ठीक है ज्यादा मजाक मत उड़ा, बिल्कुल कुत्ते जैसा लगता हूँ, पहले मैं भेड़िया लगता था। अरे नहीं इसमें भी आप बहुत हैंडसम लगते हैं। हाँ मम्मी सही कह रही है आप इसमें बहुत हैंडसम लगते हो। हाँ मुझे पता है कितना हैंडसम लगता हूँ मैं इसके अंदर, ज्यादा मुझे चढ़ाओ मत। ठीक है अब जाओ सुमित, ठीक है तू चला जा बाहर, आज तुझे इंसानों के बस्ती में जाना है। ठीक है मम्मी जा रहा हूँ। और हाँ घर आते वक्त कुछ अच्छा खाने को भी लेके आइयो, वहाँ से मुझे पता चला है वहाँ पर मस्त चिकन बिरयानी मिलती है। ठीक है मम्मी ले आऊंगा सबके लिए चिकन बिरयानी, आप लोग टेंशन मत लेना। बस चलो गाइस यार मम्मी के लिए मुझे चिकन बिरयानी लेके आनी है। भैया मेरे लिए भी लेके आना। हाँ तेरे लिए मैं और कुछ लेके आऊंगा, तंदूरी चिकन ले आऊंगा, और मेरे को दद्दू के लिए भी लेके आना है और पापा के लिए भी लेके आना है। तो चलो गाइस यार हम लोग चलते हैं इंसानों की बस्ती में। मैं यार सभी बहुत ज्यादा मजे से रहता हूँ यार अपनी वेयरवुल्फ फैमिली के साथ। वो अलग बात है यार कि मेरे असली माँ बाप यार मार दिए थे किसी ने, वो मेरे को पता नहीं किसने मारे हैं, मेरी मम्मी बताती कुछ गुंडों ने मारा है, पर मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं अब, और मैं रहता हूँ अपनी वेयरवुल्फ फैमिली के साथ। तो चलो गाइस चलते हैं, मम्मी और पापा का काम करते जाकर लेके आते तगड़ी तगड़ी चीजें। मेरे पापा का बदला जरूर लूंगा, उन वेयरवुल्फ्स को ढूंढ के निकाल लूंगा जिन्होंने मेरे पापा को 20 साल पहले मारा था, और मुझे पता चला है कि उनकी फैमिली यहीं पर रहती है। ओ साहब टेंशन मत लो, जैसे वो हमें दिखेंगे हम उनको मार डालेंगे। नहीं मुझे उन्हें मारना नहीं है वो पागल, तुझे पता है कितने करोड़ों के ज्यादा वेयरवुल्फ, उनको हम देख सकते हैं। अरे बॉस रुकिए, वो गुफा यहीं पर होनी चाहिए जिसके बारे में हमें पता चला है। आंखें खोल के देखो अपनी अपनी सारे लोग, वो गुफा किसी भी हाल में हमें ढूंढनी होगी, उसी गुफा के अंदर वो वेयरवुल्फ की फैमिली रहती है। अरे बॉस रोड पे थोड़ी मिलेगी, वो हमें पत्थरों में मिलेगी कहीं पर। ये लो तो मैं पत्थरों के ऊपर चढ़ा दूंगा। अरे बॉस देखो वो रहे सामने सारे सारे वेयरवुल्फ। आखिरकार हमने इनको ढूंढ निकाला, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, आखिरकार मैंने इनको ढूंढ निकाला। अब इनको बेच डालूंगा या फिर अपनी गुलामी करवाऊंगा, इन्होंने मेरे पापा को मारा था ना। आखिरकार मैंने वेयरवुल्फ्स की फैमिली को ढूंढ निकाला। हे
हिलने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हें एक एक की बोटी कर दूंगा। हे, कौन है? हे, कौन है? मैं हूँ और मैं तुम्हें एक को भी यहाँ से नहीं जाने देने वाला। मम्मी ये कौन है? बेटे मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं। तुम जो कोई भी हो मेरी फैमिली के पास आने की सोचना भी मत। मैं वेयरवुल्फ तुम्हें फाड़ डालूंगा। अच्छा ये बात है, तुम मुझे मारे हुए सबसे पहले मैं तुझे लुड़का तो पापा। तो चुपचाप मेरी बात सुन लो, तुमने किसी ने मेरे पापा को आज से 20 साल पहले मारा था। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक बहुत बड़े गुंडे थे, तुम में से किसने मारा था? मम्मी हमें बचा लो। मम्मी टेंशन मत ले मेरी बेटी, मैं इनको देख लूंगी। चलो तो मैं तुमको साथ लेके चलता हूँ, पकड़ो सभी लोगों को और हम इनको जाके बहुत अच्छे प्राइजेस में सेल करेंगे। हाँ बॉस, क्यों नहीं बॉस, पकड़ो। मम्मी पापा मैं वापस आ गया, छोटी बहन दादू जी। चलो गाइस यार चलते हैं जल्दी इस घर पर वापस, काफी सारी चीज लेके आया हूँ। मम्मी पापा, अबे सब लोग कहाँ चले गए यार? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई ना कोई घर पर जरूर रहता है, आज तो कोई भी घर पर नहीं है, ये सब क्या चक्कर है? और एक सेकंड, ये खून कहाँ से आया भाई? और यहाँ पर भी खून है यार, ये सब क्या चक्कर है? यहाँ पर इतना सारा खून क्यों है भाई? ए छुटकी, ओए यहाँ पर भी देखो, ये रहा और खून। गाइस यार ये सब क्या है, यहाँ पर ये सारा खून कहाँ से आया? और मेरे घर वाले कहाँ चले गए? किसी ने मेरे घर वालों को मार तो नहीं दिया? गाइस 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 मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ओह नो 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 नो, अपने घर वालों को कहाँ ढूंढूँ, कहाँ ढूंढूँ? अगर गाइस यार इंसानों ने मेरे परिवार को पकड़ा है ना, मेरे को पता है उनको कहाँ लेके गए होंगे, मुझे मेरे परिवार को ढूंढना पड़ेगा। गाइस यार किसको गोली मारी होगी मुझे ये भी नहीं पता, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस यार जल्दी से चलते हैं, भागो। आ रहा हूँ मेरे परिवार वालों, मैं सबको बचा लूंगा, मैं किसी को नहीं मरने दूंगा। मैं पहले छोटा था इसलिए मैं अपनी असली माँ बाप को नहीं बचा पाया, पर मैं आप लोगों को जरूर बचा लूंगा क्योंकि आप भी मेरे माँ बाप हो। आ रहा हूँ मेरे घर वालों। ओके तो गाइस यार सबसे पहले मैं चेक करने के लिए आ चुका हूँ मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए। गाइस यार मेरी फैमिली को उनको छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरी फैमिली के साथ ऐसा किया होगा, सच में उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। गाइस यार यहाँ पर एक छोटा जू है जहाँ से लोग बहुत सारे पेट्स वेट्स खरीदते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार वालों को यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ, कोई ना कोई परिवार वाला मेरे यहाँ पर जरूर होगा। देखो ये रहा एनिमल आर्क, यहाँ पर भाई छोटे छोटे जानवरों को रखा जाता है, पर यार मेरे परिवार वाले काफी ज्यादा बड़े थे। चलो गाइस यार देखते हैं यहाँ पर कोई मेरा परिवार वाला मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को। ओके तो गाइस यार यहाँ पर एक पिंजरा है, पहला इसमें तो कोई भी नहीं है, दूसरा पिंजरा भी खाली पड़ा है, और क्या है यहाँ पर? अच्छा यहाँ पर एक कुत्ता है। भाई साहब मेरे को लगा कि मेरा परिवार वाला कोई, यहाँ पर तो यार कोई भी नहीं है। कितना गंदा कुत्ता है। अबे यार ये कैसे कैसे लोग रहते हैं अजीब अजीब से। गाइस यार मैं कहाँ ढूंढूं मेरे परिवार वालों को? अरे भैया बताइए कहाँ चाहिए आपको? अरे भैया मैं देख रहा हूँ मेरे को कोई पेट चाहिए तो। अरे हाँ भैया ढूंढिए। भैया। अरे ये कौन बोला? भैया इधर, भैया। अबे कौन बोल रहा है? भैया इधर। ओए गाइस ये तो छुटकी है, छुटकी। भैया मुझे बचा लो भैया, इन लोगों ने मुझे बंदी बना रखा है। ओ गाइस यार जैसे कि मैंने सोचा था, हमने यार हमारे एक परिवार वाले को ढूंढ लिया, ये तो मेरी छोटी बहन है। ओ भाई ओए मेरे को वो चाहिए, वो जो पिंजरे में बंद है वहां पर। अरे भैया उसके लगेंगे $10,000। क्या बात कर रहा है $10,000? अब मैं यार $10,000 कहाँ से लेके आऊं? भैया मुझे छुड़ा लो। गाइस यार मेरे को छुटकी को छुड़ाना होगा, पर मेरे पास $10,000 भी नहीं, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या यार, $10,000 कहाँ से लेके आऊं? ओह गाइस यार ये गाड़ी काफी ज्यादा कमाल की लग रही है, अगर इस गाड़ी को यहाँ से जल्दी सी लेके भाग जाऊं तो गाइस यार मैं इसको बेच सकता हूँ फिर। ये गाड़ी किसकी भैया? पता नहीं भैया किसकी गाड़ी है। चलो गाइस यार यही मौका है मेरे पास, इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ जल्दी सी। ओ खुली पड़ी है भाई ये गाड़ी, ओए इसके अंदर तो चाबी भी लगी हुई है। चलो गाइस यार इस गाड़ी को सेल करने चलता हूँ, इस गाड़ी के मेरे को काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। चलो गाइस यार चलते हैं, इस गाड़ी को जल्दी से कहीं ना कहीं जाके बेच के आता हूँ जिससे मेरे को कुछ पैसे मिले और आके मैं अपनी बहना को खरीद सकूँ। वैसे मैं उस आदमी को मार भी सकता था, पर गाइस यार वहां पर वो दो लेडीज और थी, पुलिस को बुला लेती इसलिए मैंने उसको मारा नहीं। चलो गाइस यार यहाँ पर कहीं पर बेचने का सौदा तो है यार, मेरे को पता है यार एक जगह है जहाँ पर हम गाड़ियों को बेच सकते हैं। तो चलो गाइस यार यहाँ पर असल में एक बहुत ही बड़ा गाड़ी का कलेक्शन रखते हैं एक आदमी, ये रहा यहाँ पर देखो भाई उसके पास इतनी सारी गाड़ियां। ओह शिट ठोक दी मैंने। ओह नो 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 वो पागल है क्या? अरे भाई सॉरी, अरे तेरे को दिखाई नहीं देता इतनी महंगी गाड़ी में लाके तूने गाड़ी ठोक दी। अरे भाई यार मुझे माफ कर दो यार, ब्रेक नहीं लगी, वैसे मैं इस गाड़ी को बेचने आया हूँ, देख ले भाई कैसी लग रही तेरे को। रुक जा देखता हूँ कैसी गाड़ी है। अरे ये गाड़ी, अरे इसमें क्या लाइव लग रहा है यार,
काफी अच्छी गाड़ी है यार, कहाँ से लेके आया? भाई मैं कहीं से भी लेके आया हूँ, तेरे से मतलब नहीं है। मेरे को इसके पैसे दे सकता है? वो बताओ कितने पैसे चाहिए इसके? मेरे को तू $10,000 दे सकता है? वो हो बिल्कुल यार, $10,000 अभी लो, मैं देता हूँ, ये ले $10,000। वो चलो गाइस यार, इस बंदे ने मेरे को $10,000 दे दिए, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो चलो भाई साहब वापस पहुँचते हैं, जल्दी जाके अपने $10,000 में लेते हैं छुटकी को। छुटकी, मैं वापस आ गया छुटकी। ओ भाई साहब हेलो। हाँ भैया, ले आए पैसे? हाँ लेके आ गया। हाँ भैया दे दो $10,000 आए पूरे। हाँ ये ले पकड़ तेरे $10,000। ओके तो चलो गाइस यार, हमने $10,000 दे दिया, छुटकी बाहर आ जा। भैया आपने मुझे बचा लिया भैया। आजा छुटकी, चल जल्दी चलते हैं यहाँ से। आ छुटकी मेरे पीछे पीछे। हाँ भैया चलो चलो, जल्दी आ, जल्दी आ जा। हाँ भैया आ रही हूँ, इधर आ जा। चल सबसे पहले तुम मेरे को ये बताओ, आखिर ये सब हुआ कैसे? किसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था? भैया असल में कोई बहुत बड़ा माफिया था, उसने हमारे ऊपर हमला किया। असल में उसके पापा को मम्मी ने मारा था। मम्मी ने मारा था मतलब? भैया जो वो गैंगस्टर था ना, उसके पापा को मम्मी ने मारा था। मतलब जब आपको बचाया था ना मम्मी ने, वो जिसको मारा था वो असल में उसका बेटा था। मतलब अब मुझे समझ में आया, मतलब वो जो आदमी जो अभी अटैक करा तुम लोगों पर, जिसने असल में वो उसका बेटा उस गैंगस्टर का। हाँ भैया। ओके तो गाइस यार मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है फिलहाल। अब तू ये बता, मम्मी पापा कहाँ पर है और दादू कहाँ है? हाँ भैया मेरे को बताया कि कहीं पर जाके जू में बेच दिया दादू को। जू? ओके तो चलो गाइस यार, अभी मेरे को दादू जी का तो पता लग गया है कि कोई जू में बेच दिया है, और मुझे पता है कहाँ पर जू है यार, लॉस सैंटोस के अंदर, वहां पर हमें जल्दी से जाना पड़ेगा। सुन छुटकी। हाँ भैया। तू जाके कहीं अच्छी जगह छुप जा, एक काम कर, पापा जापा घुमाने लेके जाते हैं ना वहाँ समुद्र के पास। हाँ भैया वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। हाँ वहाँ पर छोटी झोपड़ी के अंदर जाके छुप जाइयो, मैं तेरे को वहीं मिलूंगा। ठीक है भैया। ओके तो चलो गाइस यार, अब मेरे को जल्दी से दादू को बचाने आ रहा हूँ। दादू आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो गाइस यार मैंने अपनी छोटी बहना को तो जाने को बोल दिया है, और मैंने उसको बचा भी लिया, पर अभी यार मेरे को मेरे दद्दू, मेरे पापा और मेरी स्वीट मम्मी को भी बचाने, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी यार। अब मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को बचाऊं, मैं अपनी मम्मी को बचाऊं। पर गाइस यार प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता नहीं कि कौन कहां कहां पर है। गाइस यार पहले मुझे दद्दू को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उनका ही पता है यार। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है यार। चलो मैं ढूंढना शुरू करता हूं। तुम लोग कहां जा रहे हो यार? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हो तो। क्योंकि यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप लोग पार्ट 2 नहीं देख पाओगे इस वीडियो के, जिसके अंदर मैं अपने मम्मी पापा का बदला लूंगा उन गुंडों से, और उनको छोड़ने वाला नहीं हूं ऐसे में। जल्दी से यार वो रेड बटन दिख रहा है नीचे जो सब्सक्राइब का, वो दबा दो, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना पार्ट 2 अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो। तो गाइस यार हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, जब तक लिए सायोनारा। We're just getting started, I know that you want it, baby.